तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ अरेस्ट अरेस्ट का प्रोसेस क्या होता है किस टाइप से अरेस्ट किया जाता है एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट राइट जो ड्यूटीज क्या होता है उस ऑफिसर का मेकिंग ऑफ अरेस्ट राइट तो इसका जो आंसर है इसका आंसर जो है ये सेक्शन फोर्टी वन बी ऑफ सी आर पी सी में बताया गया है सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चलिए सेक्शन फोर्टी वन बी ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का जो लैंग्वेज है उसको हम लोग देख लेते हैं राइट देखिए सेक्शन 41 बी इसमें बताया है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट यहाँ बोला है एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट इसमें बताया है, हर एक पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट करेगा ए राइट फोर्टी बी का जो ऑप्शन क्लॉज वन ए है क्लॉस ए इसमें बताया गया है बियर एंड एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इस नेम विच विल फेसिलेट इजी आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो भी पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करेगा उसका जो नेम का जो यहाँ पे टैग लगा हुआ रहता है नेम का जो लगा हुआ रहता है वो बहुत ही विजिबल एंड क्लियर हो ताकि जो अरेस्टेड पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको पता चले कि उसको कौन अरेस्ट कर रहा है जो अरेस्ट कर रहा है उसका नाम क्या है राइट तो ये ए बताता है अब क्लॉस बी में क्या बताता है बी में बताया प्रिपेयर प्रीपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच मेमोरेंडम बनाना पड़ता है पुलिस ऑफिसर जब भी किसी को अरेस्ट करेगा तो उसको एक मेमोरेंडम बनाना होता है अरेस्ट का राइट right? तो उसमें क्या रहता है और जो अरेस्ट का मेमोरेंडम है उसमें दिया गया है अटेस्टेड बाई एटलीस्ट वन विटनेस एक विटनेस से अटेस्टेड करवाया जाएगा हु इज द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकैलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड यानी कि किसी को अरेस्ट किया गया मान लीजिए एक्स को अरेस्ट किया गया तो जब एक्स को अरेस्ट किया जाएगा तो एक्स का कोई भी एक फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर इसका जो अरेस्ट करने के बाद जो मेमोरेंडम बनेगा इस मेमोरेंडम में एक फैमिली मेंबर का विटनेस चाहिए पहला अगर मान लीजिए इसको किसी ऐसे जगह में अरेस्ट किया गया जहाँ से इसका फैमिली मेंबर वहाँ है नहीं बहुत दूर है तो क्या जिस जगह पे एक्स को अरेस्ट किया जाएगा उस लोकेलिटी का कोई एक रिस्पेक्टेबल जो आदमी होगा उस लोकेलिटी का उस इंसान के द्वारा इस मेमोरेंडम में विटनेस बनाया जाएगा उसको क्लियर है तो ये बोल दिया जो फोर्टी वन बी क्लॉस बी का पॉइंट नंबर वन राइट एंड पॉइंट नंबर टू इसमें बोलता है कि काउंटर काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर जो विटनेस बना या फिर कोई जो लोकल रिस्पेक्टेड पर्सन है वो अगर यहाँ पे विटनेस बना तो ये जो मेमोरेंडम है उसके उस मेमोरेंडम में ये जो एक्स जिसको अरेस्ट किया गया ये फिर काउंटर साइन करेगा राइट right? ठीक है तो ये गया पॉइंट टू अब देखिए यहां पे पॉइंट जो क्लॉस थ्री है क्लॉस थ्री में क्या बताया गया इनफॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली डेट ही हैज राइट टू हैव ए रिलेटिव और ए फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इनफॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट यानी कि इसमें बता दिया गया कि अगर मान लीजिए जो ये जो एक्स को अरेस्ट किया गया एंड इसके अगेंस्ट में जो मेमोरेंडम बनाया गया इस मेमोरेंडम में अगर इसका फैमिली मेम्बर का साइन नहीं है तो ये जो एक्स है इसको बताया जाएगा कि इसका एक राइट right है अरेस्ट होने के बाद इसको राइट right बनता है कि ये अपने फैमिली मेंबर का कोई भी एक सदस्य को अगर चाहे तो इन्फॉर्म करवा सकता है कि इसको अरेस्ट कर लिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इजी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एक्स को अरेस्ट किया गया एंड एक्स का जो मेमोरेंडम है इसमें फैमिली मेंबर का साइन नहीं है कोई रिस्पेक्टेड इंसान उसमें साइन किया राइट right? अब तो एक्स को जो अरेस्ट कर लिया गया ये बात तो इसका फैमिली मेंबर के किसी को तो पता होना चाहिए तो इसीलिए क्या एक्स जो है ये ये इस एक्स का राइट right है कि इसको जो अरेस्ट किया गया ये बात इसको फैमिली मेंबर को किसी भी सदस्य को बताया जाए जिसको ये चाहे राइट right? तो ये बताता है सेक्शन 41 बी ऑफ सीआरपीसी तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम समअप करें तो अरेस्ट करने के टाइम में जो पुलिस ऑफिसर होगा उसका जो नेम का प्लेट रहता है वो इतना क्लियर हो ताकि जो पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको पता चल सके कि उसको कौन अरेस्ट किया है राइट दूसरा आ गया कि जब अरेस्ट किया जाएगा एट दैट टाइम एक मेमोरेंडम बनाया जाता है जिसमें कि जिसको अरेस्ट किया जाता है उसका कोई एक फैमिली मेंबर का साइन होगा अगर फैमिली मेंबर का साइन नहीं हो रहा है तो जहां पे अरेस्ट करा किया जा रहा है इस इंसान को उस जगह के कोई भी एक रिस्पेक्टेबल इंसान का उसको वहां पे मेमोरेंडम में विटनेस बनाया जाएगा एंड उस मेमोरेंडम में एक्स यानी कि मान लीजिए जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है उस इंसान का काउंटर साइन भी रहेगा एंड पॉइंट नंबर थ्री जो इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जिसको अरेस्ट किया गया उसका कोई फैमिली मेंबर का विटनेस नहीं है उस मेमोरेंडम में तो इन डैट केस क्या होगा कि ये एक्स का यानी अरेस्टेड पर्सन का राइट right है कि उसको जो अरेस्ट कर लिया गया है ये बात उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाए तो ये प्रोसेस एंड ड्यूटीज है जो कि अरेस्टिंग uh, अरेस्टिंग जो ऑफिसर होता है उसको फॉलो करना होता है अंडर सेक्शन 41 बी ऑफ सीआरपीसी तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपसे मिस ना हो सी सुन थैंक यू सो मच